अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जीत को किसी ने जानवरों का इंजेक्शन लगा दिया है। वो तो उसकी वाइफ की फुर्ती की वजह से बच गया, वरना आज उसकी जान जानी तय थी। क्या जानवरों का इंजेक्शन? मतलब जीत के साथ किसी ने ये जानबूझ के किया है, पर कौन करेगा? डॉक्टर, पेशेंट की तबीयत लगातार खराब हो रही है और आप प्लीज जल्दी चलिए। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। नर्स, इंजेक्शन। दरवाजा खोलो, हमें जीत के पास जाना है। जीत मुसीबत में, दरवाजा खोलो। बाबा, तू इस बंद कमरे में क्या कर रही थी? दादी, हम जीत के पास जा रहे थे, किसी ने बाहर से ही दरवाजा बंद कर दिया था। किसी ने बंद कर दिया? जरूरी है, उन्हीं लोगों का काम है जो ये नहीं चाहते कि तू जीत के करीब आए। मतलब? दुर्गा, दुर्गा ने ही तुझे बंद करके रखा है। दादी, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? अभी दादी से जाके पूछते, आखिर उन्होंने ऐसा काहे किया? नहीं, हुआ क्या है अचानक? और इन्हें होश कब तक आएगा? कब तक ठीक हो जाएंगे ये बताइए हमें प्लीज। देखिए देखिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए। एक्चुअली मैंने इंजेक्शन तो लगा दिया है, लेकिन इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि केस हमारे हाथ से निकल रहा है। मैं इनके ट्रीटमेंट की आगे की प्लानिंग करता हूँ, आप परेशान मत होइए। प्लीज कुछ भी कीजिए, हमारे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं करता हूँ, प्लीज आइए डॉक्टर। जीत, जीत, जीत आंखें खोलो। जीत देखो, तुम्हारी कृष्णा है तुम्हारे सामने। आप इतने दिनों बाद घर वापस आए और तुम ऐसा करोगे? हमसे बात नहीं करोगे? आंखें खोलो जीत, हमसे बात करो। आंखें खोलो, आंखें खोलो जीत, आंखें खोलो। उठो जीत, उठो। नीम की निमोरी और राम नाम के जाप से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। अम्मा जी का नुस्खा, अगर मन में हो विश्वास तो हर मुश्किल होगी आसान। जीत, हम अभी आते हैं। दादी, दादी, हमने आपका काम बिगाड़ा था, आपने हमें कमरे में काहे बंद कर दिया था? दादी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ऐसे नजरअंदाज करने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। दादी, आपने हमें कमरे में काहे बंद किया था? कहाँ मिल गया आपको? Namaste.
जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, आराम करो। सब ठीक हो ना? जानते हो आप कितना परेशान हो गए थे। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इतना पाप करने के बाद भगवान का नाम जपने से कोई फायदा ना है दुर्गा। गोपाला तुझसे कुछ पूछ रही है, जवाब दे। पति पत्नी को ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है। दो शरीर, आत्मा एक, प्राण एक। उन्हें अलग करने का प्रयास व्यर्थ है। ये देखो ईश्वर की माया, देखो जो अभी हम बांच रहे थे उका जीता जागता सबूत देखो। कृष्णा बेटा, तू तो अपना चेकअप कराने गई थी ना, जीत की तबीयत ऐसे कैसे बिगड़ गई? हाँ दादी। जीत, क्या हुआ तुझे? तू व्हीलचेयर पे क्यों है? कृष्णा, क्या किया तुमने हमारे बेटे के साथ? ये क्या बात कर रही हैं चाची, इन्होंने तो आपके बेटे की जान बचाई है। आज अगर ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आपकी बहू बहुत ही काबिल और बहुत ही समझदार है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सुपर वुमेन, सुपर वुमेन है। ये लीजिए, अब मैं चलता हूं। धन्यवाद। इतने कसीदे पढ़ के गया है वार्ड बॉय तेरी तारीफ होके, अब मुंह खोलेगी? क्या हुआ जी? जब हम अस्पताल गए थे अपने चेकअप के लिए, तो वहां पे जीत अब जीत बिल्कुल ठीक है। जो होना था वो हो गया, और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये थोड़े दिन आराम करेगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ भाऊजी, बिल्कुल ठीक है हम। ये लो पानी पी लो। जीत की पत्नी है हम, और अपने पति का ख्याल रखना हमें बहुत अच्छे से आता है। और अब से जीत का ख्याल हम ही रखेंगे। है ना जीत?
और वैसे भी डॉक्टर ने जीत को ठंडा पानी पिलाने से मना किया है। हम तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। चलो जी, हम तुम्हें अपने कमरे में लेके चलते हैं। हाँ बेटा, तुम कमरे में जाकर आराम करो। थोड़े दिन आराम करोगे तो ठीक हो जाओगे। सरस्वती जी, तुम जीत के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना लो। जी जा। हे भोलेनाथ, कैसी दुविधा में डाल दिया। देखिए नथ सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।